अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग हैप्पी, हेल्दी और फिट होंगे। तो जी, मैं जा रही हूँ जिम बहुत दिनों के बाद। बीच में मैं एक दिन गई थी, फिर मैंने 4 दिन की छुट्टी कर ली और बस अब सारा मोमेंटम जो बना हुआ था टूट फूट चुका है कि आज मैं समझ नहीं आ रही कि मैं जिम में क्या करूँगी, मुझसे वर्कआउट होगा नहीं होगा। क्योंकि जब इतने दिनों का गैप आ जाता है, 1-1.5 हफ्ते का, तो फिर आपकी बॉडी भूल जाती है कि वो कैसे क्या करती थी क्या नहीं करती थी। तो थोड़ी मुश्किल होने वाली है, लेकिन कोई नहीं, करते हैं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब हस्बैंड मुझे नीचे बुला कर अभी तक नहीं आए, और आई नो कि वो थोड़ा सा पीछे होंगे और आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये जो इतनी कड़कती धूप में 2-3 मिनट भी खड़े होना होता है ना, बहुत मुश्किल काम होता है। एंड फाइनली ही इज़ हेयर, और यूजुअली मुझे पता होता है कि ये नहीं आए होंगे तो मैं अपने टाइम से ही नीचे आती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी। चलिए जिम चलते हैं और वहाँ जाकर वर्कआउट करते हैं, और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो जी, वर्कआउट कर कर मैं घर आ चुकी हूँ। फ्रेश होकर मैंने सैलड बना लिया है, खाना मैं बना कर गई थी, फ्राई कीमा बनाया था वो मैं बना कर गई थी। अभी आकर मैंने सैलड बनाया, अब इसमें मैं लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ, नो सॉल्ट नो पेपर, क्योंकि सालन के अंदर ऑलरेडी सब स्पाइसेस होते हैं, तो सैलड को नेचुरली रखा करें। इसमें नमक, काली मिर्च भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने भी नहीं डाला इसमें कुछ, बस मैंने इसमें पुदीना डाल दिया क्रश करके। उससे ये होता है कि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है सैलड के अंदर, बोरिंग नहीं लगती। ये मैंने धनिया काट के रखा है, लेमन है, हरी मिर्ची है, अदरक है कीमे के ऊपर डालने के लिए। और बस अभी मैंने रोटियां बनानी है, साथ में रायता बनाना है, चटनी बनी हुई रायते की, बस दही में मिक्स करेंगे तो वो भी बन जाएगी। और जिम से आकर ट्रस्ट में बिल्कुल दिल नहीं करता कुछ भी करने को, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है। तो पेड़े मैंने बना कर रख दिए हैं, क्योंकि फ्रिज का आटा होता है तो फिर वो उसको 4-5 मिनट के लिए छोड़ दें तो फिर रोटी बेलना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी तरफ कीमे को मैंने गरम कर लिया है, और फ्राई कीमा बहुत आसान है, सबको ही आता होगा बनाना, तो इसकी मैंने कोई भी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे जिम जाना होता है, फिर घर के काम देखने होते हैं, तो बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं होता कि मैं कैमरा पकड़ूँ, शूटिंग करूँ, प्रॉपर एक रेसिपी रिकॉर्ड करूँ। तो अक्सर मेरी अब रेसिपीज रह जाती हैं, जो कि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी करके डालती जाया करूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, उनको हेल्प हो जाती है। तो खैर जी, कीमा गर्म हो चुका है, अभी मैं रोटी डाल रही हूँ, और रोटी को मैं हल्का सा घी लगा रही हूँ, और इससे ये होता है कि रोटी थोड़ी जल्दी बन जाती है। तो खैर जी, हस्बैंड को अच्छी लगती है, हल्का सा अगर मैं घी लगा तो, बहुत ज़्यादा नहीं लगा, बिल्कुल माइनर सा, मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर जो घी की होगी वो मैंने डाली है। तो बस जी, अब मैंने इसको सेक लिया है अच्छे से दोनों साइडों से, और हमारी रोटी हो गई है तैयार। इसी तरह मैं सारी रोटियां डाल लूँगी, और रायता भी साथ साथ बन रहा है, हर चीज़ साथ साथ हो रही है, और मैं जो हूँ मैं स्ट्रेट तवे से उतार कर रोटी सर्व करती हूँ, ताकि मज़ा आए खाने में, बिकॉज़ मुझे भी अच्छा लगता है जब मुझे कोई स्ट्रेट तवे से उतार के रोटी मुझे सर्व करता है, तो बहुत ही मज़ा आता है। झटपट से रोटी बनाते हैं, लंच करते हैं।
सो जी खाने के बाद कुछ देर मैंने रेस्ट किया, हस्बैंड काम पर चले गए थे, और अभी मैंने शाम में उठ के बनाई है जी फ्रूट चाट। और इसमें मैंने जी अनार डाला है, अंगूर डाला है, कीवी है, केला है, सेब है, और साथ में पियर भी है। और अगर मुझे मेरा जो फेवरेट है वो है अमरूद, तो वो यहाँ पर हमें बहुत ही कम कम मिलता है या बहुत ही कच्चा मिलता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फ्रूट चाट के अंदर। तो ये सारे जितने मेरे पास घर में फ्रूट्स हैं उनको डालकर मैंने अच्छा सा एक फ्रूट चाट बना लिया है। अब मैं इसको रैप कर दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और रात को हम लोग डिनर के बाद इसको इन्जॉय करेंगे। और क्योंकि लॉकडाउन होने वाला है तो फिर हस्बैंड भी जल्दी आ जाएंगे, 8 बजे तक वो भी घर के अंदर होंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले जी मैं आई हूँ अभी हॉस्पिटल, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल फाइन। लेकिन मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी कुछ दिनों से, और वही जो हम पैनाडोल वगैरह ले रहे होते हैं और खा रहे होते हैं वही सीन चल रहा था। लेकिन मैंने कहा आप भी दिखा लें, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैं बीमार हुई थी तो मुझे था कि शायद उनको वो भी बीमार हो गया मुझसे, लेकिन मेरी बीमारी का उनकी बीमारी से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। लेकिन फिर भी आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है कि हाँ एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। हम वैसे अपने रेगुलर टेस्ट करवाते रहते हैं लाइक एवरी 6 मंथ्स, तो मैंने कहा भी इनका टाइम भी हो चुका है, टेस्ट नहीं हुए हुए उनके काफ़ी टाइम से, तो मैंने कहा वो करवा लेते हैं। और फिर डॉक्टर को तो वैसे भी जनरल फिजिशियन को दिखाना ही है, तो दिखा लेते हैं ताकि अच्छा हो जाए। क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट है तो मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई मुश्किल हो हमें। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं जी हॉस्पिटल, और बदुल समा में आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं जिनको मेरे हस्बैंड दिखाते हैं। तो बस अभी यहाँ पर तो एक इतना रश होता है, और आपको हॉस्पिटल आकर भी क्यू में खड़ा होना पड़ता है और एक नंबर लेना पड़ता है, पूरी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, जो कि मेरी समझ से बाहर है। मुझे ये चीज़ पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती। और बदलू समा और इस तरह के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ऐसा लगता है जैसे इनका कोई एक प्रॉपर बिजनेस चल रहा है। और यहाँ पर मेडिकल, आप सबको पता है कि बाहर के कंट्री में मेडिकल कितना महंगा होता है, और एक आपका हॉस्पिटल का जो ट्रिप होता है वो बस आपकी बहुत ज़्यादा पैसे ले जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में मेडिकल बहुत सस्ता है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ डिपेंड करती है कि जी ब्लड टेस्ट होगा, टेस्ट होंगे। तो भी हम लोग बाहर बैठे वेट कर रहे थे, और एक पर्सन को अलाउ था अंदर जाना, तो हस्बैंड अंदर जाकर अपना चेकअप करवा आए हैं। और अगेन उन्होंने यही बोला है कि आप अपने टेस्ट करवा लें ताकि पता चल जाए कि क्या इशू है, क्या नहीं है, या ऐसे ही कोई मसला नहीं है। तो खैर जी अभी हस्बैंड के यहाँ पे वो ब्लड सैंपल ले लेंगे और फिर इनके टेस्ट हो जाएंगे। और इंशाल्लाह 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 आप भी दुआ करिएगा कि टेस्ट नॉर्मल आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में हर बंदे का टेस्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी भी कोई मसला है तो उसका टेस्ट होना ज़रूरी है। आई डोंट नो वाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड टेस्ट और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा करवाई जाती हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो खैर जी उनका ब्लड सैंपल ले रहे हैं और इसकी रिपोर्ट अब हमें मिलेगी कल। और अभी तो वैसे डॉक्टर ने बोला है कि ऐसे तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आप टेस्ट सारे करवा लें। और मेरे हस्बैंड को थायराइड भी है, उनको हाइपर थायराइड है, और उसका भी टेस्ट होने वाला था। तो मैंने कहा सैंपल तो इतना भड़कर उन्होंने ले ही लिया खून का, तो मैंने कहा लगे आओ तो उसका भी टेस्ट करवा ही लेते हैं ताकि पता चले कि अभी उसका स्टेटस क्या है। क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइफ टाइम आपके साथ रहती है, और आपको उसकी टेबलेट लेनी पड़ती है, और उसको वक्तन फवक्तन उसको टेस्ट उसका करवाना पड़ता है। तो मैंने कहा वो भी करवा लेते हैं। तो है जी मैंने तो अपनी बारी दे दी थी, अब हस्बैंड की बारी थी, वो बीमार हो गए और बुखार वगैरह नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अगर बुखार होता तो वो तो एंटर भी ना होने देते ना हॉस्पिटल में, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। और यहाँ पर केसेस जो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि हर किसको भी अगर 38 या 37.9 के करीबी टेम्परेचर आता है तो उसको अलग से साइड पे कर दिया जाता है और उसको हॉस्पिटल रिकमेंड कर दिया जाता है। तो वो बहुत डर लगता है, और ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड अकेले काम करने वाले हैं, तो मेरा था कि वो अपना टेस्ट वगैरह करवा लें, चेकअप करवा लें ताकि कोई मसला ना हो। तो अकेले रहने में यही मुश्किल होती है कि अगर घर का सरबरा बीमार हो जाए तो ट्रस्ट मी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती उनके बगैर। आई एम सो 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 डिपेंडेबल कि मैं उन पर इतना डिपेंड करती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि उनके बगैर मेरा एक दिन भी निकल सकता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा आप हॉस्पिटल चलें, चेकअप करवाएं, तसल्ली हो जाएगी आराम से, तो फिर सुकून रहेगा ना। तो खैर जी घर आ चुके हैं हम, और अब हम लोग इंजॉय करने लगे हैं ठंडी ठंडी फ्रूट चाट, और उसके बाद अगर भूख लगेगी तो फिर रात में खाना खा लेंगे, क्योंकि अब तो टाइम ही टाइम है हमारे पास। क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है तो हस्बैंड अब 8 बजे से पहले घर के अंदर होंगे, और फिर टाइम से खाना भी खा लेंगे और टाइम से सो भी जाएंगे। और लास्ट भी लॉकडाउन में यही हुआ था कि मैंने तो पर्सनली लॉकडाउन बहुत इन्जॉय किया था, क्योंकि हस्बैंड टाइम पे आ जाते थे, हर चीज़ टाइम पे होती थी,
और सो भी हम लोग टाइम पर जाते थे। साथ में हम कोई रैंडम मूवी देख रहे हैं, लेगेसी आई थिंक, और मेरी तो समझ से बाहर है, लेकिन हस्बैंड बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और मैं इंजॉय कर रही हूँ फ्रूट चाट। और ये मेरा आज का व्लॉग था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई हस्बैंड इन योर प्रेयर्स, क्योंकि अभी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आई विल सी यू टुमारो गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।